वेलकम फ्रेंड्स, होम टेक्स एंड टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किचन बेस्ट खाद या कंपोस्ट खाद के बारे में। तो सबसे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आपको वीडियो को जस्ट नीचे मिलेगा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको किचन वेस्ट या कंपोस्ट खाद बनाने के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी खाद होती है। और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि हम कैसे पैसे बचाएं और घर के ही कुछ चीजों को उपयोग कैसे कर सके। तो उसी की सीरीज में एक अगला वीडियो है कि आप आपके घर के में जो किचन से निकला हुआ खराब, कहने का मतलब है सब्जी, फल के छिलके, चाय पत्ती या कोई भी ऐसी चीज निकलती जिससे आप खाद बना सकते हैं। तो ये दो मेथड से बनता है। एक तो दोस्तों, ये देखिए, इस तरीके से मेरे यहाँ पे एक गड्ढा है जिसमें मैं किचन वेस्ट डालता रहता हूँ, उससे खाद बनता है। और एक होता है कंपोस्ट बिन से। तो कंपोस्ट बिन टाइप की, यानी कहने का मतलब एक बाल्टी तरीके की होती है, तो वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। लगभग 50 रुपए खर्च में आपकी एक कंपोस्ट बिन तैयार हो जाएगी यदि आपके पास एक प्लाट नहीं है। क्या है दोस्तों, मेरे पास एक छोटा सा लैंड प्लाट टाइप का है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे पास जगह है इसलिए मैं गड्ढे का यूज कर रहा हूँ। यदि आपके पास जगह नहीं है तो उसके लिए आप एक कंपोस्ट बिन करके आती है, एक बाल्टी तरीके की रहती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई कंपोस्ट खाद की बात। तो अब कंपोस्ट खाद में मिला क्या क्या सकते हैं और क्या नहीं मिला सकते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना। तो सब्जी के छिलके मिला सकते हैं आप, फल के छिलके मिला सकते, चाय पत्ती मिला सकते, दही और मही मिला सकते हैं जिसको मठा कहते हैं, गली सब्जी या गले फल मिला सकते हैं। कई बार आपकी फ्रिज में रखे रखे कुछ फल खराब हो जाते हैं या लाने में कुछ फल खराब हो जाते हैं, उनको हम मिला सकते हैं। तो उनको मिलाने से बहुत अच्छी खाद बनती है। दूसरी चीज क्या नहीं मिलाना है ये भी जानना बहुत जरूरी। इसमें हम पुड़ी, दाल, चावल या ऐसा कोई भी आइटम खाने का भोजन वो नहीं मिलाते हैं। वो इसलिए नहीं मिलाते हैं जिसमें स्मेल नहीं आए। यदि हम वो मिला देंगे तो उसमें स्मेल आएगी। तो अब ये कंपोस्ट किचन बेस्ट खाद का फायदा क्या है, तो इसके फायदे में जान लेते हैं। इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसका उपयोग घर के पेड़ पौधे या आपके किचन गार्डन में आप खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी किस्म की खाद होती है हमको। और सबसे अच्छी बात यह, हमको गीले कचरे की समस्या से छुटकारा मिल जाता है और उसका सही उपयोग कर सकते हैं, जो कि स्वच्छ भारत मिशन और हमारी आसपास की स्वच्छता के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, हम किचन वेस्ट में आप देखते हैं अधिकतर गीला कचरा होता है, उसको हम या तो कचरे वाले में डाल देते तो वो बहुत ज्यादा स्मेल करता है, या बाहर फेंक देते हैं तो कई बार बहुत दिक्कत होती है। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में हम सहयोग करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा खुद का फायदा है, क्योंकि इस खाद का यूज हम हमारे घर के गमलों में कर सकते हैं, घर के छोटे बहुत कलम लगाए उसमें यूज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बात आती है कैसे तैयार करना है। तो मैंने आपको दो मेथड तो बताई, तो मैं गड्ढे वाली बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले नंबर एक में आपको सूखी पत्ती, या कहने का मतलब है न्यूज़पेपर की कटिंग, या आप कुछ भी ले सकते हैं कार्डबोर्ड के टुकड़े टाइप के जो रहते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो देने के लिए मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिये, ये मैंने एक छोटा सा गड्ढा लिया हुआ है, ये देखिये सूखी पत्तियां हैं कुछ, ये न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये आलू के छिलके वगैरह हैं, ये चाय पत्ती है कुछ, और बाकी ये फल के थोड़े से टुकड़े टाइप के हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गड्ढे में क्या करते हैं कि यदि आपके पास सूखी पत्तियां मिले तो इस तरीके से आप उनको सूखी पत्तियों को डाल लें। दिखाई दिए इस तरीके से। यदि सूखी पत्तियां नहीं है तो सबसे पहले नीचे वाली लेयर में आपको इस तरीके से आपके जो न्यूज पेपर रहते हैं उनको डालना है। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा पुराना खाद हो या मिट्टी हो आपके पास, जैसे कहने का मतलब है, मैं आपको इसमें से थोड़ा सा कंपोस्ट में से ये ले लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके का ये ले लेता हूँ, तो इस तरीके से ये डालना है। फिर इसके बाद आपको ये थोड़ा सा आपके पास पुराना खाद पड़ा हो वो, और नहीं तो आपके पहली बार बना रहे तो कंपोस्ट खाद तो मिलना मुश्किल है, तो आप गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास कहीं गोबर हो या गोबर का खाद हो। तो इसके बाद फिर ये दोनों चीज डालने के बाद तीसरी चीज, हमने ये जो बचा के रखा हुआ है इसको हम डाल देते हैं इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये डल गया। अब इसके बाद क्या होगा, हल्की सी ऊपर से हम मिट्टी वगैरह
इस तरीके से डाल देते हैं जिसमें मच्छर मक्खी वगैरह ना हो, तो इस तरीके से ये खाद कंपोस्ट तैयार होता है। तो ये प्रोसेस लगने में 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। और सबसे बड़ी बात ये इसमें एक कुछ छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज, जैसे ये मैंने आपको दिखाया ये आलू के ये छिलके वगैरह हैं, तो इनको और बारीक काट लें, थोड़ा थोड़ा और छोटा कर लें। जो भी आप सब्जी वगैरह डालें उसको थोड़े थोड़े टुकड़े में छोटा छोटा कर लें, तो क्या होगा उसको कंपोस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी चीज, हमको दूसरी सावधानी ये रखनी, जैसे ये मेरा बना हुआ है तो इसमें नमी बरकरार रहे, क्योंकि सीधा कंपोस्ट खाद का संबंध है हल्की सी नमी और हल्के सा गीलापन रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हल्की सी नमी है इसमें। तो ये नमी क्या करती है कि जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जो कि सूक्ष्म छोटे छोटे रहते हैं, उनको जन्म लेने में आसानी करती है। वो बहुत अच्छे से जीवित रहते हैं, और जब वो जीवित रहेंगे जब ही तो वो खाद बनाएंगे। कहने का मतलब है हल्की सी नमी में सड़ भी जाता है। तो कंपोस्ट खाद में आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको नमी मेंटेन करने की जरूरत ज्यादा इसलिए नहीं पड़ेगी कि यदि आप बिन में बनाते हैं कुछ में, क्योंकि आपकी जो चाय पत्ती होती है वो रोज निकलती है घर में, तो वो नमी का काम करती है। हल्की सी उसको आप मिलाएंगे तो वो नमी का काम करने लगेगी। तो और कभी ज्यादा ही तेज गर्मी पड़ती है तो हल्का सा पानी आप छिड़क सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनता है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरा ये कंपोस्ट खाद है, ये तैयार हो रहा है। तो ये तैयार होने के बाद इसको मैं मेरे पेड़ पौधे वगैरह इनमें डाल दूंगा। तो ये एक ब्लैक गोल्ड होता है, कहने का मतलब है कि बहुत ही उच्च क्वालिटी की ये खाद होती है। तो आपकी एक तो घर की समस्या भी हल हो जाएगी और घर के घर में खाद बन जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्लास्टिक की बाल्टी की बिन करके बना के दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या सावधानी रखना है और उसको कैसे बनाना है। लगभग उसका खर्च मैंने आपको बता चुका हूँ, 50 रुपये के खर्च में आपकी घर में ही एक कंपोस्ट खाद बनाने वाली बिन तैयार हो जाएगी। यदि आपके पास कोई प्लाट वगैरह या कुछ जगह नहीं है तो आप उतने में ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊँ, इस गड्ढे को भरने में 2-2.5 महीने से ऊपर लग जाएगा आपके घर में, क्योंकि थोड़ा सा कचरा निकलता है, उसको आप रेगुलरली डालते रहेंगे तो 2-2.5 महीने में भराएगा इसका। ये जैसे ही भराएगा तो मेरे पास जगह ज्यादा है तो मैं एक दूसरा गड्ढा खोद दूंगा, उसमें डालता रहेगा। फिर इसका खाद मैं मेरे पौधे में डाल दूंगा तो ये खाली हो जाएगा, इसमें फिर इसमें डालता रहूंगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। और घर में भी आप यदि बनाते हैं या कहीं पे बनाते हैं तो थोड़ा सा आके कभी का इसको आप हल्का से इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दे, तो उसमें ये रहेगा कि नमी वगैरह सब होती रहेगी। तो यदि दोस्तों ये होम टेक्स एंड टिप्स चैनल का आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके की ट्रिक लेकर मैं आता रहता हूं। और आपको मैं कल बहुत शानदार तरीके से एक बिन बनाना बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।